आज तक की हमारी वीडियोस में हम उन कार पे वीडियो बनाते थे जो कार रोड्स पे चल सकती है और बढ़िया परफॉर्म करती है रोड्स पे, बट आज की वीडियो उस कार पे है जो आसमान में उड़ सकती है और आसमान में बढ़िया परफॉर्म करती है। बट बहुत सारी कार जो है वो अभी तक बनाई जा चुकी है जो आसमान में उड़ सकती है, बट वो उसमें से बहुत सारी कार अभी भी अपने प्री मॉडल और प्रोटोटाइप में ही हैं। इनको अभी भी अपने रिस्पेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन या फिर ऑर्गेनाइजेशन से अभी भी लीगल परमिट लेना है आसमान में उड़ने के लिए। बट आज मैं पहली कार की बात करने वाला हूँ जिसको लीगली अमेरिकन एयर में परमिट मिल गया उड़ने के लिए। बट उसके पहले मैंने कल एक वीडियो अपलोड की थी सफारी की फेसलिफ्ट की, उस पर 20 घंटे में 2.4 के व्यूज़ कंप्लीट हो चुके हैं। तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, आप लोग अच्छा सपोर्ट दे रहे हो मेरे को, ऐसी सपोर्ट बनाए रखो। और इस वीडियो अगर आप देख चुके हो तो बढ़िया है, नहीं देखा है तो प्लीज़ चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख लो और इस वीडियो पर भी वैसा ही सपोर्ट बनाना। थैंक यू, और 2K सब्सक्राइबर जल्द से जल्द कंप्लीट करा दो। अब कंटिन्यू करते हैं अपने वीडियो को। तो कैलिफोर्निया बेस्ड एक सस्टेनेबल इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट कंपनी है जिसका नाम है LF एरोनॉटिक्स। उन्होंने अपनी मॉडल को लॉन्च किया है और वो वर्ल्ड की पहली कार बन चुकी है जिसको लीगल परमिट मिला है यूनाइटेड स्टेट फेडरल एयर एडमिनिस्ट्रेशन से। ये जो कार है वो पहली कार बन चुकी है अब लीगली आसमान में उड़ने के लिए, तो बहुत ही बढ़िया बात है। हम बचपन से सोचते थे कि कब उड़ने वाली कार आएगी, तो फाइनली ये उड़ने वाली कार आ चुकी है अब जो लीगल है आसमान में उड़ाने के लिए। तो फेडरल एरियल एडमिनिस्ट्रेशन से अप्रूवल मिलने के बाद अब LF एरोनॉटिक्स जो है वो अब एक ऑपरेशन करने वाली है अमेरिकन एयर में, मतलब वो अपनी मॉडल ए के साथ एक ऑपरेशन करने वाले हैं जिसमें वो मॉडल ए को अमेरिकन एयर में फ्रीली मूव करके ये पता लगाएगी कि अगर ऐसी बहुत सारी कार्स एक साथ अमेरिकन एयर में चलें तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होने वाली है। और गवर्नमेंट जो है ऐसी कंपनीज को, मतलब ऐसी इनोवेटिव कंपनीज को रिकॉग्निशन दे रहा है, बहुत ही बड़ी बात है क्योंकि ऐसी इनोवेटिव कंपनी अगर आगे आएंगी तो बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है LF एरोनॉटिक्स का भी और जो आम लोग हैं उनका भी बहुत फायदा होने वाला है। क्योंकि LF एरोनॉटिक्स जो है वो बहुत ही एक इनोवेटिव कंपनी है और उसका एम ये है कि जो अर्बन कंजेशन होता है उसको काफ़ी हद तक कम कर दिया जाए, क्योंकि जो ट्रैफिक जाम्स होते हैं उसकी वजह से बहुत लोगों को बहुत सारा नुकसान होता है। इसकी वजह से अगर लोग को एक क्विकर और एक सेफर रूट मिल जाएगा उसकी वजह से अर्बन कंजेशन बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा और लोगों की जो टाइम है वो भी बहुत ही ज़्यादा बच जाएगा। तो बहुत ही बढ़िया बात है, इस कार को अगर इतना रिकॉग्निशन मिल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से तो ये बहुत ही बढ़िया बात है। और तो ये एक ईवी व्हीकल है, कम इमिशन करती है तो एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी है, एक और प्लस पॉइंट है इसके लिए। तो अब बता दें कि इसमें ऑक्यूपेंसी कितनी हो सकती है, तो कंपनी की तरफ से अगर माने तो इसमें 2 लोग बैठ सकते हैं, बट जो टोटल वेटेज है इसका वो 90 kg से ऊपर नहीं जा सकता है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें 1 लोग और लगेज हो सकता है, क्योंकि जो लगेज और पर्सन दोनों को मिला के 90.7 kg मैक्सिमम इसमें जा सकता है। तो यही समझ लो कि इसमें 1 लोग और थोड़ा सा लगेज जा सकता है। अब मैं बताता हूँ कि ये जो कार है वो वर्क कैसे करती है। तो इस कार के नीचे टोटल 8 प्रोपेलर्स लगाया है जो बहुत ही हैवी है, तो इस कार को बेस से ऊपर की तरफ ले जाते हैं सीधे, और जब एक डेफिनेट अमाउंट में वो ऊपर चली जाती है तो उसकी जो बॉडी है वो 90 डिग्री से टर्न हो जाती है, जिससे ये जो प्रोपेलर्स हैं वो पीछे की साइड चले जाते हैं और इस कार को एक फॉरवर्ड मूवमेंट देते हैं, जिसकी वजह से जो कार है वो आसमान में ऊपर की तरफ बढ़ने चालू हो जाती है और आगे बढ़ने लगती है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इनोवेटिव तरीका है, और यही नहीं जो उसकी डिज़ाइनिंग है वो भी बहुत ही ज़्यादा इनोवेटिव है। मतलब आप दूसरी जो फ्लाइंग कार्स हैं, मतलब जिनको भी परमिट नहीं मिला अपनी प्रोटोटाइप स्टेज में ही है, उनकी भी अगर डिज़ाइन देखोगे तो इसकी डिज़ाइनिंग आपको बहुत ही ज़्यादा इनोवेटिव देखने के लिए मिलेगी। क्योंकि ये जो पूरी कार है उसकी जो बॉडी में जो बबल टाइप शेप है जिसमें आप बैठ के जा सकते हो, वही की स्पेस है जो पूरी भरी हुई है, और बाकी जो इसकी पूरी बॉडी है उसमें आपको जाली देखने के लिए मिलेगी, मतलब जाली में कह रहा हूँ, मतलब उसमें आपको स्पेसिंग देखने के लिए मिलेगी, जिसकी वजह से इसको जो एरोडायनेमिकली बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलती है ऊपर की तरफ। जब ये ऊपर की तरफ जाएगी तो इसमें से आपको एयर पास होने की बहुत सारी जगह है, जिसकी वजह से इसको एरोडायनेमिकल ड्रैग का सामना नहीं करना पड़ता है, जिसकी वजह से जो कार है वो आसमान में बहुत ही आसानी से आगे की तरफ बढ़ सकती है, जिस और कोई भी इसको ड्रैग का सामना नहीं करना पड़ता है। तो आप डिज़ाइन देख रहे हो सेम टू सेम ऐसी डिज़ाइन है, नीचे प्रोपेलर्स हैं और आराम से इसमें जो एयर है बहुत ही आसानी से पास होकर उस तरफ जा सकती है। कंपनी इसमें 2 सीट्स देती है, बट 2 सीट्स का कोई फायदा नहीं है कि 90.7 kg की इसमें मैक्सिमम कैपेसिटी ही है, तो कोई फायदा नहीं है इसमें। बट कंपनी अपनी मॉडल जी पे भी काम कर रही है जो टोटल 4 लोग की ऑक्यूपेंसी के साथ आने वाली है, बट जो मॉडल ए है उसकी जो प्राइसिंग आपको मिलने वाली है वो मिलने वाली है $300,000, जो करीब करीब पड़ जाएगी आपको 2,46,00,000 के आसपास। बहुत ही ज़्यादा पैसे, बट एक फ्लाइंग कार के हिसाब से देखें तो ठीक ठाक पैसे लग रहे हैं मेरे को। और इस कंपनी के जो CEO है वो ये कहते हैं कि इस कार को चलाने के लिए कोई या कोई स्पेशल लाइसेंस जरूरत नहीं है, आप नॉर्मल लाइसेंस पर भी इस कार को चला सकते हैं। और इस कार को इतना कॉम्पैक्ट बनाया गया है कि नॉर्मल पब्लिक पार्किंग में भी आसानी से पार्क हो जाती है, ज़्यादा स्पेस नहीं लेती है, ये नॉर्मल कार के साइज़ की है। तो बहुत ही इनोवेटिव डिज़ाइन बनाया गया, क्योंकि और भी जो फ्लाइंग कार्स हैं मार्केट में जो प्रोटोटाइप्स हैं उसमें बहुत ही हैवी चीज़ें लगानी पड़ती है, बहुत ही बड़ी जाती है वो कार, तो नॉर्मल पार्किंग में क्या, उसके लिए तो स्पेशल पार्किंग लेनी पड़ेगी खड़ी करने के लिए। तो ये बहुत ही अच्छा इनोवेटिव डिजाइन है। इस कार की जो फुल फ्लेज प्रोडक्शन है 2025 तक कंपनी स्टार्ट करने वाली है और जल्द से जल्द इसकी डिलीवरी भी स्टार्ट करने वाली है। तो ये बहुत ही बढ़िया बात है कि जल्द से जल्द इस कार जो है अमेरिका में लॉन्च होने वाली है। इंडिया में पता नहीं कब लॉन्च होगी, जब लोग बुड्ढे हो जाएंगे तभी शायद कार आ जाए इंडिया में। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो और ये कैसी लगी आपको कार कॉमेंट में जरूर बताना, और आप क्या चाहते हो कि जल्द से जल्द इंडिया में भी कोई फ्लाइंग कार लॉन्च हो,
तो कमेंट करो और जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ऐसे ही वीडियोस देखते रहो, पूरी वीडियो देखना। और यहाँ तक वीडियो देख लियो तो थैंक यू, और कमेंट में बताओ अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। अभी के लिए एलएफ फ्लाइंग कार को लाइक करके जाना।